हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसटेट है जो एग्जाम अब होएगा दिसंबर में, उसके लिए 3 महीने हैं। तो कैसे आप उन 3 महीनों को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो देखो, जैसे ही डेट आई है तो बच्चों को ये मन में ये तो होता ही है कि कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि पहले तो हम ये वेट करते हैं कि एग्जाम की डेट आएगी। अब भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो नोटिफिकेशन के वेट में बैठे होंगे। तो देखो, नोटिफिकेशन की वेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकलेगा ना और जब एग्जाम होगा, उसमें ओवरऑल 1 से सवा महीने का टाइम होता है। तो इतना ज्यादा वो कोई इफेक्टिव नहीं पढ़ पाता, क्योंकि कई दिन कई ऐसे भी वेस्ट हो जाते हैं, 1-2 दिन कहीं पे चला जाता है, 1-2 दिन कहीं पे। तो वो 1 महीना है, उसमें इतना सारा सिलेबस है, वो नहीं हो पाता। अब जब हमें पता है कि एग्जाम उस दिन होने वाला है और उसके बाद भी हम नोटिफिकेशन की वेट में बैठेंगे, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। नोटिफिकेशन आएगा, आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। हमें पता है एग्जाम होना है दिसंबर को, होना है 7 दिसंबर को, है शनिवार और रविवार को है, तो तब है। तो हम क्यों फालतू में नोटिफिकेशन की वेट में बैठेंगे। तो आपने नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो सबसे फर्स्ट देखो, जो अब हमारा महीना चल रहा है सितंबर का, और एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे देखो, सितंबर का कंप्लीट मंथ है, अक्टूबर का कंप्लीट मंथ है और नवंबर का कंप्लीट मंथ है। दिसंबर का जो महीना है उसमें आपके पास 7 ही दिन है, तो आप ये नहीं मान सकते कि वो भी अपने पास है, क्योंकि 7 दिन तो ऐसे ही बीच में 3 महीने में भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे। कहीं पे कुछ काम हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो फंक्शन वगैरह में कैसे भी होके चले जाते हैं। उसके बाद वो जो लास्ट वाले 7 दिन है, वो तो आपने ऐसे बचा के रखने हैं कि जितना आप इन 3 महीनों में पढ़ोगे ना, उस सब का जो रिवीजन है, उन सब का जो आपने एक वो लेके आना है ना, आउटपुट लेके आनी है, वो 7 दिन में आएगी। क्योंकि अब इन 3 महीनों में आप पढ़ोगे और बाद में जो आपके वो 7 दिन बचेंगे ना, उसमें आपने सबसे ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो 3 महीने ऐसे बचे, और जो हमारी 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर है, वहां पे आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपने रिवाइज करना चीजों को, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो कॉमन पार्ट हो। तो आपने क्या करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना। उसके बाद ये कई बच्चों का डाउट होता है कि कितने टाइम हम पढ़ें। देखो, अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, कई बच्चे 3 घंटे में पढ़ के भी उतना ही कवर कर लेते हैं जितना एक बच्चा 10 घंटे में पढ़ता है। तो वो अपने लेवल पे आपने देखना है कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है। अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी भी है, तब भी आपने हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एसटेट ऐसा एग्जाम है, बेसिक से क्वालिफाइंग मार्क्स हो तो 1 नंबर से भी बच्चों का रह जाता है। तो आपने इन चीजों को हल्के में लेके नहीं चलना, लाइटली नहीं लेना चीजों को। तो मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम बोलो, आप मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आप कितने भी दे सकते हो, तो मिनिमम से मिनिमम 4 to 5 आवर्स हैं जो आपने वो अपनी स्टडी को देनी है, ये श्योरिटी पाने के लिए कि आपका एग्जाम वो हर हाल में क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि अगर 1 भी नंबर से रह गया ना, तो बाद में ये एग्जाम 1 साल के बाद होगा, और जितनी भी वैकेंसी है वो आ चुकी होंगी, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद एकदम बाद में वैकेंसी आती है, या तो जब जो पूरी जो हमारी गवर्नमेंट बनती है उसका जो टाइम खत्म होने वाला होता है, लास्ट में वैकेंसी आती है। बीच में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिलती, तो आपके पास ये गोल्डन चांस, आप इसको मान सकते हो कि जो आपका ये वाला एस्टेट है, अगर ये आपका हो जाता है तो आपके साथ, क्योंकि अब एस्टेट लाइफ टाइम वैलिड है, तो ये वाली दिक्कत भी नहीं है कि आपने फिर से इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक बार टाइम दो, लेकिन अच्छे से दो। तो आपको मिनिमम से मिनिमम 4 to 5 आवर्स हैं वो आपको स्टडी को देने ही देने हैं। उसके बाद कॉमन पोर्शन देखो, कॉमन पोर्शन में जैसे मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो वहां पे मैंने बताया था कि कॉमन पोर्शन में क्या रहता है, 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे आती है, जीके, रीजनिंग और मैथ, ऐसा हमारा जो एस्टेट में वो होता है। अभी आप देखो, सीडीपी है, सीडीपी के लिए भी मैंने अपने उसमें चैनल में बताया है कि आप कैसे पढ़ सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इसके साथ ही जो सीडीपी के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी। अगर आपको किसी को भी सीडीपी के नोट्स चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट है जो, इस चीज का लिंक आपको चैनल के बायो में मिलेगा, वहां पे मैसेज भेज सकते हो, तो आपको वहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा। वो आपने देखना है कि आपको बस समझ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और किसी दूसरे के हाथ से लिखा हुआ किसी को समझ आ जाता है, तो ये मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपको सबको समझ आएंगे। अगर आपको ये लगे इफेक्टिव है तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, कौन सा आपके कुछ पैसे लगने वाले हैं, तो एक बार देख लेना देखने में क्या जाता है, ठीक है। तो सीडीपी के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जो जहां से मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, तो वहां से आपके 24 to 25, मैं ये नहीं बोलती कि आपके 30 out of 30 आ जाएंगे, तो वहां से आपको 30 में से 24 to 25 मार्क्स हैं वो आप आसानी से लेके आ सकते हो, ठीक है।
बात रही हिंदी इंग्लिश की, अब देखो कई बच्चों का कमेंट था कि आप अपने चैनल पे हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे, तो इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे साथ में अपना भी पढ़ना होता है, कुछ कुछ काम भी हो जाते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट ये सोचूं कि सब कुछ ही मैं पढ़ा दूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं क्या पता मुझे पढ़ाना ही ना आए, तो फिर भी ऐसे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगी कि आपको ऐसे ये लगे कि हम यहाँ से पढ़ के एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इस हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए एक चीज लेके आई हूँ। आप जब चैनल पे जाओगे ना तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बने मिलेगी, हिंदी की अलग से इंग्लिश की अलग से, तो वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे एस्टेट के कॉमन पोर्शन के, जो हिंदी और इंग्लिश के जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। डेली एक टॉपिक का वहां पे अपलोड होगा, आप चाहो तो वहां से पोज करके स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम है वहां पे फॉलो करके वहां पे मैसेज भेज सकते हो, तो वो जो टॉपिक यूट्यूब पे अपलोड होगा उसी टॉपिक की, सेम टॉपिक की पीडीएफ है, मैं वहां पे आपको अपलोड करवा दूंगी। फिर बोल रही हूँ वो आपने देखना, पहले आप यूट्यूब से ये देख लेना कि मेरा लिखा हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप पे कोई वो नहीं है कि आपको समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग वो सबका लिखने का मेथड अपना अपना होता है। ये तो बस ये है कि अगर किसी की 100 में से 50 बच्चों की भी हेल्प हो गई तो कुछ अच्छा हो जाएगा, बाकी देख लेना। अगर आपको इसका कोई भी इनका भी कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसे आप बस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगी जितनी भी पीडीएफ होंगी सबकी सब, हिंदी का भी सिलेबस कंप्लीट है और इंग्लिश का भी है, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, एक तो मैं खुद पढ़ूँ और एक पढ़ाऊँ तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, और मैं ऐसे जबरदस्ती किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं बोल सकती कि हाँ मैं पढ़ा लूंगी। तो इसके लिए मैं आपको बस इतना हेल्प दे सकती हूँ कि आप यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसके लिए पहले आप वीडियो को देखना, वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नोट्स में कैसा क्या मटेरियल है, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हो, तो आपको वहाँ पे नोट्स अपने मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो जीके रीजनिंग और मैथ, तो जीके आप कर सकते हो पीवाईक्यू से। अब जीके है, जीके का एक वाइड सिलेबस होता है, तो वहां पे आप पीवाईक्यू से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक आ, जैसे मेले आते हैं और मंदिर वगैरह आते हैं, तो ये वाली चीज आप वहां से देख लेना, अंदाजा लगा लेना कि कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो ये आपने खुद से करनी पड़ेगी। और रीजनिंग मैथ, मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि रीजनिंग मैथ मेरा ठीक है, मैथ जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ा सकती हूँ, तो रीजनिंग और मैथ की जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम 5-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेके आएंगे। तो पहले मैं 2-4 वीडियो लेके आऊंगी, उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तभी वो वीडियो लेके आएंगे, अदरवाइज वो वीडियो नहीं लेके आएंगे फिर। तो ये आपके लिए मैं यहाँ पे चैनल पे पढ़ा लूंगी, तो आप बताना कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो हम लेके आएंगे, अदरवाइज हम नहीं लेके आएंगे। तो ये था ओवरऑल आपका। उसके बाद कॉमन पोर्शन के लिए मैंने बता दिया CDP, हिंदी, इंग्लिश, इनके मैं तीनों के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। आप एक बार चैनल पे विजिट करना, वहां पे देखना, अगर आपको लगे कि मेरा लिखा आपको कुछ समझ आ रहा है, आप कुछ वहां से गेन कर सकते हो, नॉलेज वगैरह गेन कर सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जीके आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, ये वाली चीजें हम चैनल पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए देखो सबको अपने सब्जेक्ट का अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है DGT साइंस और PGT केमिस्ट्री, तो वहां पे भी मैं क्लासेज यहाँ पे ऑनलाइन जो वो इसमें लेके आऊंगी, साथ के साथ जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी उसके जो नोट्स है वो भी आप मैसेज भेज के पूछ सकते हो। 1-2 दिन में मैं क्लासेज लेना स्टार्ट करूंगी सब्जेक्ट के लिए। PGT केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी क्लासेज हैं क्योंकि वहां पे 11th 12th की ही आती है, तो वहां पे मैंने अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है 11th 12th केमिस्ट्री, या तो वहां से देख लो या तो एस्टेट करके भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तब तक वो वीडियोस देख लो। क्योंकि आप देखोगे ना तो जैसे बोन्ड ऑर्डर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, IUPAC नेमिंग हो गई, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो तब तक आप वो कर लो, तो अगर आपको वो समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वाली वीडियोस लेके आएंगे। तो ये था ओवरऑल आपकी जो 3 महीने आप कर सकते हो एस्टेट के लिए। अगर आपने इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।